नमस्कार, मैं हूं इंदु कुमारी, आप हैं हमारे साथ जीके न्यूज झारखंड में। नजर डालते इस बुलेटिन की खास खबरों पर। विधानसभा स्तरीय झारखंड मुक्ति मोर्चा की बदलाव यात्रा सह समागम के तहत आज घाटसिला के मोहभंडार अम्बेडकर चौक के पास पार्टी के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन के नेतृत्व में पद यात्रा निकाली। नकली शराब बेचे जाने की शिकायत पर आज उत्पादन विभाग की टीम ने आज जांच किया। दुकान के समीप शराब भी पिलाया जाता है, इस बात की भी शिकायत की गई थी। जांच करने पहुंचे उत्पाद विभाग टीम के इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार राणा एवं सब इंस्पेक्टर जमल कुचुर ने बताया कि जांच के दौरान नकली शराब बेचने जैसी कोई मामला नहीं है, सभी बोतलों की जाँच कर ली गयी। हंगामा भी यहाँ नहीं हुआ है। अरे एक दो आदमी आते हैं शराब लेने पीने के लिए, अपना थोड़ा भीड़ भड़ाका हो गया तो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो उसमें कोई व्यक्ति है नहीं। तो सर यहाँ क्या नकली शराब बिक्री हुआ या नहीं? यहाँ पर नकली शराब है ही नहीं, तो नकली शराब बिकने का प्रश्न कहाँ उठता है। बरामद हो पाया कुछ भी? बरामद तो नहीं है। अच्छा, तो कोटा आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? अब इसमें यही है कि हम लोग जाँच पड़ताल किए हैं, उसके बाद लिखा पढ़ी करके हम लोग को जो सहायक आयुक्त उत्पाद है उनको सूचना देना है कि यहाँ इस तरह का कोई मामला नहीं है। आज अखबार में छापा गया है दैनिक भास्कर और प्रभात खबर में कि विदेशी शराब दुकान खाता में 0.65 में कि यहाँ नकली शराब या इमारती से ज़्यादा सर पैसा लिया जा रहा है। उसको जांच करने हेतु हम लोग निरीक्षक उत्पाद चलसुन दल के साथ में दुकान में आए हैं जांच करने के लिए। जांच के दौरान में दुकान में रखे स्कंद या सभी प्रकार के मापों के शराब को स्कैन से भी देखा गया या इनवॉइस से भी देखा गया, तो उसको जांच पड़ताल किया गया। उसमें MRP लिखा हुआ है, उसके बाद स्टिकर लगा हुआ है झारखंड सरकार का, बैच नंबर भी लिखा हुआ है, जो अखबार में छापा हो निराधार लग रहा है कि गलत छापा गया है। तो उसमें इस तरह का किसी प्रकार का कोई अनियमितता टाइप का नहीं लग रहा है। हंगामा का मामला आ रहा था। हंगामा का मामला तो टीवी फुटेज जो CCTV